देख सकते हो ड्यूक के सारे मॉडल्स खड़े हुए हैं। अच्छा, सारी आरसी के बारे में, 3 आरसी खड़े और 18,000 इसकी। Hey, what's up lovely people, your friend Mr. Jenam back with another video। तो भाई जैसे कि हमारी काफ़ी सारी हमेशा ज़्यादातर वीडियोज रहती थी सुपर बाइक से रिलेटेड, बट आपने काफ़ी ज़्यादा कमेंट करके हमें बताया कि आपको ड्यूक्स देखनी है, R15 देखनी है, कम बजट में बाइक्स देखनी है। अगर आपको बजट में बाइक्स चाहिए तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना बड़ा लॉट लगाया हमने। इसके अंदर ड्यूक है, R15 है, पैशन है, मतलब अपाचे है, जितने भी ब्रांड्स होते हैं आपके ब्रांड्स निकालते हैं अराउंड 2 लाख to 3 लाख के बजट में, या मतलब 1 लाख से नीचे में जितना भी बजट होता है उसकी रेंज में काफ़ी सारी बाइक्स आज हमारे पास खड़ी हैं। तो मैं पहले मिलवाता हूँ आपको जसमीत पाजी। तो पाजी क्या हाल है? बढ़िया भैया। तो भैया आज हम क्या क्या दिखाने वाले हैं, मतलब पहले ये बता दो कि कितने से बाइक स्टार्ट होने वाले, क्योंकि मैंने वो लिख दिया 18,000 से आज बाइक स्टार्टिंग आपको दिखाएंगे। अच्छा, और फिर रेंज आपको पता है 1 लाख 1.5 लाख सवा लाख तक जाती है। और एक 90 किलोमीटर चली हुई बाइक भी है गाइस, सिर्फ 90 किलोमीटर चली हुई। कहीं पे भी चेक कराओ, मतलब लोग बोलते हैं मीटर बैक कर दिया, तो आपका ये है ना, कहीं पे भी चेक कराओ। बिल्कुल, आपको कोई भी हमारे से अगर आप बाइक लेंगे आपको सर्विस रिकॉर्ड के साथ देंगे, जो 2-3 साल पुरानी आप हमारे से बाइक लेंगे उसका सबका सर्विस रिकॉर्ड साथ देंगे। मतलब सारी गाड़ी जो बाइकें चली है वो जेन्युइन चली हुई है। आओ देखो अच्छे से, जब परख लोगे ना बाइक फिर उसके बाद ले जाओ। तो जो 18,000 चली हुई है उसको हम वीडियो के बीच में कभी दिखाएंगे, तो वीडियो पूरा देखना। तो सबसे पहले सिनेमैटिक एंजॉय करो, फिर सबसे पहले किससे स्टार्ट करें, छोटी बाइक से या KTM से? जैसे आप बोलोगे, जो आपके व्यूअर्स को पसंद हो आप सबसे पहले वो उससे शुरू करो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं R15 से, यहाँ पे खड़ी है ना, तो लेट्स गो। R15 की रेंज, तो भाई को बोलूँगा पहले थोड़ा कैमरा पास ले, पहले आप कंडीशन चेक करो बाइकों की, फिर हम बात करते हैं इनकी प्राइस रेंज के बारे में। तो भैया ये कौन सा मॉडल होगा? ये मिडनाइट ब्लैक कलर R15 वर्जन 3 2019 ABS मॉडल के अंदर है। और ये कितनी चली हुई है? 4,800 के आसपास चली है, कल ही आई है मेरे पास स्टॉक के अंदर। और क्या प्राइस रखा हुआ है इसमें? इसका 1,32,000 हमारा आस्किंग है। और इसके अंदर गाइस देख सकते हो क्रैश गार्ड्स लगे हुए हैं, छोटा मोटा सामान लगा हुआ है। फिर हम चलते हैं पीछे, तीन और जो बाइक्स खड़ी हैं उनके पास। पीछे वो RR310 2018 मॉडल है, रेड कलर में, और 11,000 किलोमीटर जेन्युइन चली हुई है, सेकंड ओनर बाइक है। अच्छा अच्छा, और उसकी 1,65,000 हमारी आस्किंग है। 1,65,000 में बाइक को बोलूँगा, थोड़ा पास से दिखाओ उस बाइक को जो भी वहाँ पे खड़ी हुई है। और उसके साइड में जो R15 खड़ी है, इसके साथ जो R15 खड़ी है 2018 मॉडल है, और ये भी सेकेंड ओनर बाइक है। अच्छा, ये चली है कोई 8-10,000 के आसपास चली हुई है, 10-15,000। सारी बाइकें यही कुछ चली होती हैं 8-10 और 15,000 के बीच में ही चली हुई है। चली हुई है, और इसकी 1,05,000 हमारी आस्किंग है। और उसके साइड वाली की? वो 2018 ही सेम मॉडल की है। अच्छा, वो सिंगल ओनर बाइक है तो वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, वो आपको 1,12,000 की मिल जाएगी। और उसके अंदर आप ये बबल ग्लास आप देख सकते हैं आगे फ्रंट वाइजर, एक्स्ट्रा एडिशनल एसेसरीज में कस्टमर ने इंस्टॉल किया हुआ। और गाइस स्क्रैचलेस कंडीशन में, एक भी स्क्रैच नहीं है बाइक पे, आप देख सकते हो। और गाइस अंदर एक और लॉट में खड़ी हुई आरसी खड़ी हुई है हमारे पास, तो इसके बारे में भैया को। आरसी ब्रदर 2018 मॉडल है, सिंगल ओनर है, 10-12,000 किलोमीटर के आसपास चली है, 1,47,000 इसकी हमारी आस्किंग। और प्राइजेस तो नेगोशिएबल होते ही हैं, थोड़े बहुत नेगोशिएबल होते हैं, ये भी नहीं आप आके वो जरूर करेंगे जो बेस्ट टू बेस्ट होगा। बाहर चलते हैं, बाहर सारा मेन स्टॉक खड़ा हुआ है तो उसको चेक करवाते हैं, तो आ जाओ बाहर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमारे पास 3 R15 और खड़ी है, अंदर हमने 3 आपको पहले दिखा दी थी। तो भैया इनका मॉडल और प्राइस बता दो, ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए। 2019 मॉडल ABS, 3,000 किलोमीटर चली हुई, 1,35,000 इसकी आस्किंग। 2019 10,000 किलोमीटर चली हुई ABS के अंदर ही, इसकी 1,30,000 आस्किंग। और ये भी 2019 ABS के अंदर ब्लू कलर के अंदर है, सारे कलर जैसे अवेलेबल हैं, इसकी भी 1,28,000 आस्किंग है। मतलब एक हिसाब से R15 के तो सारे कलर अवेलेबल हैं, जितने भी आते हैं, और 2018-19 यही सारे मॉडल्स हैं, इससे नीचे का कोई नहीं है, और कम ही चली हुई है, और सबके प्राइजेस
मतलब 1.5 लाख से नीचे में 30,000 के आसपास ही है, जो 1.5 लाख और 30 के बीच के अंदर है हमारे पास, जो 19 मॉडल की रेंज है। अच्छा, और वो भी अभी थोड़े बहुत नेगोशिएबल हैं, हल्के बहुत। तो अब चलते हैं गाइस KTM की रेंज की तरफ। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ड्यूक के सारे मॉडल्स खड़े हुए हैं, 200, 250, 390 भी इस साइड खड़ी हुई है, सारी दिखाएंगे। तो भाई सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। 2016 मॉडल, 25,000 किलोमीटर जेन्युइन विद सर्विस रिकॉर्ड चली हुई है गाड़ी। हाँ हाँ, 2016 मॉडल की इसकी आस्किंग हमारी 95,000 25,000 चली हुई है। मैं भाई को बोलूँगा थोड़ा पास से दिखाए सारी गाड़ियों को थोड़ा। गाइस देख सकते हो स्क्रैचलेस कंडीशन में पूरी बाइक, एक छोटा सा भी दाग नहीं है बाइक पे। और मैं आपको अगर मीटर थोड़ा सा दिखाऊं, तो भाई को बोलूँगा मीटर की तरफ दिखाए। तो गाइस देख सकते हो जो भी बाइक चली हुई है जेन्युइन चली हुई है। अब आते हैं उसके साइड में जो 200 खड़ी है, जो उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। 2017 मॉडल है, इसकी मतलब 5,000 हमारी आस्किंग है, 8,000 से 10,000 किलोमीटर की। मतलब ये है, मतलब 2016 ये 17 और वो 250। ये आपको 2019 मॉडल है। अच्छा, 2019 मॉडल। हाँ जी, ये मिल जाएगी 1,60,000 इसकी हमारी आस्किंग है। मैं बोलूँगा वो वाली दिखाए जो 1,60,000 की मिल जाएगी। और भैया इनकी नई की क्या कॉस्टिंग आती है? ये अप्रॉक्स 248 के आसपास है आज की डेट में। 2019 मॉडल जो विद ABS आ रही है। अच्छा, तो 2,48 के आसपास, नॉन ABS के अंदर है, तो इसकी 2,28, 2,30 की बिलिंग थी। अच्छा, उसके साइड में जो बाइक खड़ी है उसके बारे में बात करते हैं। ये MT-15 मार्केट में आपको बहुत कम गाड़ियाँ मिलेंगी। हाँ, उसमें से ये क्या 2019 मॉडल है, 10-12,000 किलोमीटर चली हुई है। अच्छा, 1,20,000 इसकी हमारी आस्किंग है। तो भाई जितना भी स्टॉक है ना वो यही है 2018-17। ये नहीं कि काफ़ी पुराना स्टॉक है, 12 मॉडल 11 मॉडल सारा, मतलब जेन्युइन स्टॉक है। मतलब पिछली बार से तो सारा नया ही आ गया, बिल्कुल। उस वीडियो का तो काफ़ी टाइम हो गया, एक साल हो गया हमारे को मिस्ट्री बॉय व्लॉग्स के साथ वीडियो बनाए। हाँ, एक साल बाद भाई हमारे पास आए हैं, कल फोन आया, मैंने कहा आप, कोई बात नहीं, वीडियो बनाओ। मैं मंडे का टाइम होता है, पिछली बार मंडे का अच्छा टाइम होता है, थोड़ा खाली रहता है। तो अब चलते पीछे RC की तरफ। तो भाई जब बात करते हैं सारी RC के बारे में, या 3 RC खड़े हैं, तो भैया सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। RC ये 2018 मॉडल है ब्रदर, नेक्स्ट वाली भी 2018 ही है। हाँ हाँ, और उसके आगे जो खड़ी है वो 2017 मॉडल खड़ी है। अच्छा, 2018 1,17 है। तो ये दोनों कितनी चली हुई है? ये 10,000 के अंदर ही चली है, कोई 8,000-9,000 चली है, 10,000 चली हुई है। हाँ, और इनकी ये 11,000 चली है सॉरी, और ये 8,500 चली हुई है। ये आपको 148 की आस्किंग है हमारी, उसकी 145 की आस्किंग है। अच्छा, मतलब जो 8,500 चली है 148 की आस्किंग है इसकी, और उसकी साथ वाली की 145,000 और जो उसके साइड में खड़ी है, और वो आगे 2017 मॉडल है, 1,30,000 रुपये उसकी। 1,30,000। यहाँ पे एक और हमारे पास RR 310 खड़ी है, तो भैया इसका क्या प्राइस रेंज होगा? ब्रदर 3800 किलोमीटर जेन्युइन चली हुई है, 2018 मॉडल, सिंगल ओनर बाइक है इसकी। हाँ, 1,75,000 आस्किंग है। 1,75,000 आस्किंग है। और ये कितनी चली हुई थी? 3800 किलोमीटर चली है। इसके साथ की हमने भी आपको अंदर 1,65,000 आस्किंग वाली दिखाई है, जो 11,000 चली थी, सेकंड ओनर थी। सेकंड ओनर ये सिंगल ओनर है और 3800 किलोमीटर चली है, तो 1,75,000 इसकी आस्किंग। अब बात करते हैं जिसके बारे में बात कर रहे थे, जो 18,000 की मिलने वाली थी। हाँ, तो अब भैया को हमारे पास ये रेड कलर की 2011 मॉडल, सेल्फ स्टार्ट अलॉय व्हील, 100 cc के अंदर। अच्छा, और डिस्कवर का भी नंबर VIP है, मैं बोलूँ 1900 नंबर है। मजा होगा उस टाइम VIP नंबर लिया था भाई ने, मतलब जिसकी भी बाइक है ना, ये सिंगल ओनर बाइक है। हाँ, 2011 मॉडल है, और अभी तक मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हुई है, एक ही हाथ में चली है गाड़ी। अच्छा, और 18,000 इसकी हमारी जो है आस्किंग है। और ये कितनी चली हुई है गाड़ी से? चली होगी ब्रदर 25-30-40,000 तो चली होगी, बाकी है कि कंफर्म नहीं मैं आपको इसका बता सकता। बाकी ये अगर आपको अपने घर में किसी को देनी है, किसी शॉप वॉप में किसी को देनी है, तो आप आराम से रेस्टोरेंट पर्पस के लिए या घर में किसी वर्कर के लिए अगर आपको चाहिए, तो एवरेज वाली बाइक है, 55-60 की एवरेज है, 100 cc की, और 18,000 रुपये। तो अब चलते हैं वहाँ में जो पल्सर खड़ी है उससे बात करते हैं। पल्सर ब्रदर 2019 मॉडल, डबल डिस्क में, 150 cc में। ओके भैया, और 6,700 किलोमीटर चली हुई है। हाँ, और क्या प्राइस? 75,000 इसकी हमारी आस्किंग है, 1,19,000 की आज की इसकी गाड़ी की बिलिंग है। अच्छा, और यहाँ पर सिर्फ 75,000 में आपको। और जो उसके साइड में खड़ी है ये 2018 FZ है। हाँ, ये भी 9,200 किलोमीटर चली हुई है, एडवोकेट की गाड़ी है ये। अच्छा अच्छा, और फुल फिर तो मेंटेन करके रखी, बिल्कुल मेंटेन है, 9,000 किलोमीटर सिर्फ जेन्युइन चली हुई है गाड़ी, सिंगल ओनर है। और इसकी भी हमारे आस्किंग जो है 72,000 है। 72,000, और इसके बारे में बात करें, ये अपाची 200 cc में 2018 मॉडल। ओके भैया, ये गाड़ी थर्ड ओनर है। हाँ हाँ, इसलिए इसका प्राइस थोड़ा मतलब आपको एक्साइटिंग वो लगेगा कि अट्रैक्टिव प्राइस है इसका, 68,000 की आपको मिल जाएगी। 68,000, 2018 थर्ड ओनर है गाड़ी, चली 10-11,000 किलोमीटर हुई है, और 1,50,000 की नई गाड़ी की बिलिंग है, तो ये थर्ड ओनर के हिसाब से है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मतलब सारा सर्विस रिकॉर्ड, हर चीज़ सब चीज़ मिलेगी। अब चलते हैं थोड़ी पीछे, जो काफ़ी सारी बाइक्स खड़ी हैं उनको देखते हैं, जो अपाचे की लाइन से बाइकें खड़ी हैं। तो भैया इन दोनों के बारे में बताओ जो यहाँ पे खड़ी हुई है। ये 2016 है, ग्रे कलर में। ओके, दिसंबर 2016, सिंगल ओनर,
ये 2015 मॉडल है। ये वाली 2015 वो 2016 ये सिंगल डिस्क में 160 सीसी में, डबल डिस्क में 160 सीसी है। और क्या प्राइस वेरिएंट है ये? 48,000 इसकी हमारी आस्किंग है और इसकी 43,000 हमारी आस्किंग है। गाइस ये भी काफी सस्ते रेंज में ही है, 43 अभी भी प्राइस नेगोशिएबल है, आपको अच्छे प्राइस पे मिल जाएगी एक बाइक। फिर आते हैं आगे जो ये तीन बाइक्स खड़ी है इसमें ब्रदर, ये 14 मॉडल फेजर है, फेजर इसकी 38,000 हमारी आस्किंग है। 38,000 गाइस का भी प्राइस आप सुन के मतलब प्राइसेस सारे अच्छे से अच्छे जो हो सकते हैं मैंने आपको बताया। और जो उसके साइड में खड़ी है दो बाइक, सिंगल ओनर 2015 मॉडल है, इसकी 53,000 हमारी आस्किंग है। 53,000 और उसके जो साइड में 2018 मॉडल है 220 सीसी जो, ये इसकी हमारी 80,000 आस्किंग है। 80,000 आस्किंग है। और तो भाई जो वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला था आपको एक ड्यूक एक आरसी दिखाऊंगा जो सिर्फ 90 किलोमीटर चली हुई है, तो भाई इसकी कलर स्कीम देख सकते हो। तो भैया ये कौन सा मॉडल है ये ब्रदर? 2020 मॉडल BS6 वर्जन के अंदर। ओके 90 किलोमीटर चली है सर गाड़ी और 232,000 की इसकी बिलिंग है। अच्छा और आप कितने में दोगे? 25,000 लेस इसका हमारा आस्किंग है, थोड़ा सा और रिगार्ड कर देंगे। सिर्फ 90 किलोमीटर चली हुई है ये देख सकते हैं, इसके ऊपर जो पूजन वूजन होता है कुछ भी नहीं हटा है इसकी। अगर वो पीछे नंबर प्लेट भी नहीं आई है अभी तक, मतलब नंबर आ गया पर नंबर प्लेट भाई ने लगवाई नहीं, कुछ रीजंस होंगे जिसकी वजह से भाई को बेचनी पड़ी। ब्रांड न्यू कंडीशन में बाइक है, शोरूम से निकालने से अच्छा अगर आपको 25,000 का भी प्रॉफिट हो रहा है तो आप वो बचा लो अपने। और गैस अगर आपको स्कूटीज़ भी चाहिए तो भैया की एक और शॉप है साइड में जहाँ पे भैया सारी स्कूटीज़ में डीलिंग करते हैं, मतलब हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है एक अच्छे प्राइस रेंज पर। स्कूटीज़ बाइक चाहिए हो KTM, के अंदर आपको जो कुछ चाहिए सब कुछ हमारे पास अवेलेबल मिलेगा। बाइक स्कूटी के अंदर टू व्हीलर उसके अंदर आपको सारी रेंज मिलेगी, हर एक रेंज मिल जाएगी। तो गाइस एक बार अंदर चलते हैं, भैया कार्ड दिखाता हूँ नंबर दिखाता हूँ वीडियो को एंड करते हैं। आप लोगों की डिमांड थी एक मिड रेंज बाइक आपको दिखाई जाए, KTMs दिखाई जाए, RC दिखाई जाए, इस बार मैंने आपको काफी सारी दिखाई। एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर सिर्फ KTM और RC खड़ी करेंगे, लोगों के लिए वो भी करेंगे। लास्ट टाइम भी आपके साथ जब एक साल पहले बनाया था तब भी हमने KTM की रेंज पूरी दिखाई थी, पूरी दिखाई थी उस टाइम। तो मंडे को आप नेक्स्ट मंडे जो है फिर इसको एक भाई आपसे ना ट्राई करा करेंगे, जैसे मंडे मंडे आते हैं ना जो भी आपका नया स्टॉक अपडेट हुआ करेगा, मतलब दो बाइक को अपडेट हुई या तीन बाइक अपडेट हुई, वैसे मेरे चैनल का यही कंसेप्ट है एक बाइक दिखाना दो बाइक दिखाना, तो हम दिखाया करेंगे। मिस्ट्री बॉय व्लॉग्स किसी उसके रिकग्निशन का वो नियम होता है मेरे को पता है, कोई दिक्कत नहीं आपके उसके अंदर हम दिखाएंगे सारी बाइक जो है स्टॉक जैसे अपडेट होता रहेगा तो अब चलता रहेगा, वीडियो आपके से बनवाते रहेंगे। वैसे भैया के पास स्टॉक है अराउंड 15-16 KTM का भी स्टॉक है, सारी अभी यहाँ नहीं लगा रखी क्योंकि जो यहाँ पे भैया के यहाँ काम करते हैं वो आया नहीं था तो सारी बाइकें बाहर नहीं आ पाई, फिर भी जो बेस्ट टू बेस्ट रेंज खड़ी थी पूरी की पूरी दिखा दी हमने। इसके अंदर भी मैं आपको भैया का कार्ड दिखा देता हूँ, मैं भाई को बोलूँगा इस पर फोकस करे। इसके अंदर भैया का कार्ड मतलब एड्रेस लिखा हुआ है कौन सी ब्रांड्स में डील करते हैं और नंबर है। और भैया कॉलिंग टाइम क्या है लोगों को बता? कॉलिंग टाइम ब्रदर प्लीज, जितने भी व्यूअर्स आप देख रहे हैं वीडियो, हमारी अपनी भी पर्सनल लाइफ होती है, प्लीज़ 11 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक आप जब भी कॉल करें, अगर कॉल नहीं भी हम पिक करते तो आप व्हाट्सएप मैसेज जरूर करें, हम रिप्लाई जरूर करेंगे आपको भैया। वो तो एकदम से इंस्टेंट कॉल मतलब हमारा भी रिसीव करना वो पॉसिबल नहीं होता, तो आप बेशक व्हाट्सएप पे मैसेज करें, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई जरूर आएगा जैसे भी फ्री होते ही आएगा। पर यहाँ पे एड्रेस आ रहा होगा, अगर आपको जेन्युइनली बाइक लेनी है तो डायरेक्ट शॉप पे विजिट करें, बाइक आए देखे चला के देखे उसको, मतलब अगर आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए फिर आप बाइक की डील मैच्योर करें और ले जाएं। तो बाकी जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कोई और बढ़िया सा धमाका लेके आएंगे। कमेंट में ज़रूर बता देना आपको क्या पर्सनली देखना है, ऐसी ऐसी बाइक्स की वीडियो आती रहेगी क्योंकि मैं हर जगह नहीं बनाता, पर जिनको मेरे को लगता है ट्रस्टेड शॉप है वहाँ पे मैं ज़रूर आता हूँ। तो भैया आज आपके साथ वीडियो बना के काफ़ी अच्छा लगा, थैंक यू। बाकी टिल देन बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ टुडे, टिल देन बाय।